Welcome to another Citrix ADC class. इस class में हम जो features explore करना चाह रहे हैं Citrix ADC में वो है URL rewriting. URL rewriting एक बहुत ही ज़बरदस्त feature है Citrix ADC में, और इसका purpose क्या होता है कि हम sometime हमारे पास एक ऐसी requirement होती है कि हम जो URL है उसको rewrite करना चाह रहे हैं, और उसकी रीज़न क्या होती है कि इसमें जो 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 कंटेंट है वो हम एक्सपोज नहीं करना चाह रहे. अननेसेसरी कंटेंट होता है हमारी सर्वर साइड पे, हम उसको एक्सपोज नहीं करना चाह रहे कि वो एंड यूज़र को विजिबल ना हो, या एंड यूज़र एक सर्टन जो यूआरएल टाइप करे तो उसको हम रीराइट करके सर्वर को वो रिक्वेस्ट ऑन द बिहाफ ऑफ द एंड यूज़र वो सेंड करें. तो सबसे पहले हमें इस फीचर्स को इनेबल करना है Citrix ADC के बेसिक फीचर्स में, और मेक श्योर करें कि रीराइट फीचर वहाँ पे इनेबल है. उसके बाद हमने ऐप एक्सपर्ट में जाके अंडर द रीराइट सेक्शन वी विल क्रिएट, फर्स्ट वी नीड टू क्रिएट एक्शन. तो एक्शन जो होता है उसको हमने एक नेम देना है, और उसके बाद उस एक्शन की टाइप जो है वो डिफाइन करनी है. टाइप जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एक्शन के अंदर, कि किस टाइप का हम एक्शन जो है वो डिफाइन करना चाह रहे हैं. हमारा जो इस लैब में जो हम एक्सप्लोर करने जो फीचर हम एक्सप्लोर करेंगे उसमें यह है कि हम रिप्लेस करेंगे एक यूआरएल को एक दूसरी यूआरएल के से. तो हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो रिप्लेस है. तो हमने यहाँ पे आपने देखा होगा कि मल्टीपल टाइप हैं एक्शन की, कि डिफरेंट टाइप ऑफ एक्शंस वी हैव, सो वी कैन अचीव डिफरेंट थिंग्स. डिफरेंट इफ़ वी हैव अ डिफरेंट रिक्वायरमेंट वी विल चूज़ डिफरेंट एक्शंस. सो वी विल जस्ट चूज रिप्लेस, और यहाँ पे हमने जो एक्सप्रेशन है वो चूज़ करना है कि क्या एक्सप्रेशन जो है उसकी टारगेट लोकेशन क्या होगी. क्योंकि हमारा जो एक्शन है हम यूआरएल जो है उसको रीराइट करना चाह रहे हैं, तो हमारा जो होगा वो एचटीटीपी रिक्वेस्ट यूआरएल पाथ जो है उसको हम लोग रीराइट करेंगे. तो हमने यहाँ पे एचटीटीपी रिक्वेस्ट यूआरएल पाथ दिया. नीचे जो एक्सप्रेशन है टू रिप्लेस्ड विद, यानी कि कोई भी यू आर एल जो वो टाइप करे, जो एक्स्ट्रा यू आर एल टाइप करे, तो उसमें उसको किस से रिप्लेस करे. तो यहाँ पे हमने वो जो पेज है या जो सर्टन एक्शन है जिसको हमने रिप्लेस करना है उसको हम डिफाइन करेंगे. तो हमारे पास जो यू आर एल है वो जो मेन साइट है उसके साथ हम अगर /second/index.html टाइप करते हैं तो वो हमें सेकेंड पेज, सर्वर के सेकेंड पेज में लेके जाता है. तो हम उसको रिप्लेस करना चाह रहे हैं कि हमारा कोई भी एंड यूज़र जो है वो जब ये पाथ उसमें टाइप करे ब्राउज़र में तो उसको वो मेन पेज के ऊपर लेके जाए. second/second/index.html को रिप्लेस करके वो मेन जो कंटेंट है, मेन यूआरएल है, उस पे सर्व करे वो. तो एक्शन हमने डिफ़ाइन कर लिया. अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो पॉलिसी को डिफ़ाइन करना है. तो सिंपली हम पॉलिसी को एक जो है वो नेम देंगे, और एक्शन जो है वो एक्शन हमने लास्ट टाइम जो हमने डिफ़ाइन किया है ऑलरेडी, जो हमारा कस्टम एक्शन है, आप इस कस्टम एक्शन की लिस्ट में डिफरेंट ड्रॉप डाउन जब आप करेंगे तो डिफरेंट यहाँ पे एक्शंस ऑलरेडी आ रहे हैं, लेकिन हमने वो एक्शन चूज़ करना है जो ऑलरेडी हमने डिफ़ाइन कर दिया है कि सर्टन इस पॉलिसी पे ये सर्टन एक्शन हो. एक्शन हमने चूज़ कर लिया. उसके बाद एक्सप्रेशन है कि क्या एक्सप्रेशन जो है वो हम यहाँ पे डिफ़ाइन करेंगे. तो हमारा जो एक्सप्रेशन है वो ये होगा कि अगर ये एक्शन हो तो इसको इस एक्सप्रेशन के साथ रिप्लेस कर दिया जाए. तो हमारा जो है वो एक्शन क्या होगा, http://request.url.path.equivalent, और उसके बाद हमने इसको होम पेज के ऊपर सर्व करना है, यानी कि कोई भी जब ये एक कंप्लीट यूआरएल जो /second/index.html के साथ है उसको टाइप करे ब्राउज़र में तो उसको वो रिप्लेस कर दे विद ओनली मेन यूआरएल, उसके साथ रिप्लेस कर दे. तो यहाँ पे आप हाईलाइटेड देख रहे हैं कि हमने http://request.url.path.equivalent और अंडरस्कोर के अंदर जो स्ट्रिंग हमने दी है वो मेन होम पेज डायरेक्टरी जो है उसको उससे रिप्लेस कर दिया. पॉलिसी हमने क्रिएट की, और इसके बाद हमने पॉलिसी मैनेजर में जाके इस पॉलिसी को जो हमारा वर्चुअल सर्वर है उसके साथ अटैच करना है. अब यहाँ पे हमने पॉलिसी मैनेजर में गए, और सिंपली आपने यहाँ पे http, और ये देखना है कि कनेक्शन टाइप जो है वो रिक्वेस्ट हो.
इसके बाद हमने क्या करना है कि पॉलिसी को सिलेक्ट करना है, जो हम पॉलिसी अटैच करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट किया, और सिलेक्ट करने के बाद इसको हमने बाइंड कर देना है स्पेशल जो हमारा जो वर्चुअल सर्वर है, जिस वर्चुअल सर्वर पे हम इस पॉलिसी को अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो हमने जस्ट बाइंड किया और जो हमारा स्पेसिफिक सर्वर है उसके साथ हमने इस पॉलिसी को बाइंड कर देना है। बाइंड करने के बाद डन कर देना है। अब हमारे पास जो एक्शन है वो डिफाइन हो चुका है, पॉलिसी भी राइट हो चुकी है, और सिंपली हम इसको ब्राउज़र में जाने से पहले हम कॉन्फ़िगरेशन सेव करेंगे, और कॉन्फ़िगरेशन सेव करने के बाद लेट्स सी जो हमने एक्शन जो पॉलिसी डिफाइन की है वो काम कर रही है या नहीं। तो सबसे पहले हम जाके URL में all.t4ed. अब ये आपने देखा कि ये हमारे बाय डिफ़ॉल्ट इसको सेकंड पेज के पेज पे ये सर्व कर रही है, यानी कि हमने कम कंप्लीट URL वो जो /second/index.html है उसको उसने रिप्लेस कर दिया है जस्ट मेन URL के साथ all.t4ed.com। तो इसको आप डिफरेंट एरियाज़ में यूज़ कर सकते हैं और डिफरेंट जो जो पॉलिसीज़ हैं उनमें आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। जो पॉलिसी मैनेजर में जाके इसको अनबाइंड कर देंगे ताकि हमारी नेक्स्ट लैब जो है वो इससे उस पर कोई इम्पेक्ट ना पड़े। आई होप